नमस्कार बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन यानी खंडश समाकलन चल रहा था और एक्सरसाइज 7.6 में प्रश्न नंबर 7 तक मैं बता चुकी थी आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है x इंटू टैन इनवर्स x। जैसा कि आप जानते हैं टैन इनवर्स x का इंटीग्रल आप नहीं जानते, और वैसे भी आइलेट का नियम अगर लगाते हैं तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकेंड। तो इस तरह से x को सेकंड माना और tan इनवर्स x को फर्स्ट माना, और फिर पहला फलन ऐसे कि ऐसे गुणा दूसरे फलन का इंटीग्रल, यानी x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पहले वाले का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये ऐसे कि ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये एक परिमेय फलन है, और परिमेय फलन में भी ये किस तरह का परिमेय फलन है कि ऊपर की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से के बराबर है, तो ये विषम परिमेय फलन है। और मैंने कहा था जब भी कभी विषम परिमेय फलन आता है तो उसे नीचे वाले से भाग देकर उसे उचित परिमेय फलन बनाया जाता है। तो ये 2 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1+x² जो रह गया था वो 1+x² से x² को भाग देंगे। भाग देने का एक तरीका ये भी है कि ये एक्स स्क्वायर था तो ऊपर +1 -1 किया, एक्स स्क्वायर +1 से जब अलग करेंगे तो वो कट जाएगा, तो ये भागफल 1 आएगा। तो यही हमने किया, यहाँ एक्स स्क्वायर था उसमें +1 -1 डाला, अब एक्स स्क्वायर +1 से अलग कर दिया और -1 से अलग कर दिया। तो ये ऐसे कैसे उतार रहा, -1/2, और ये बन गया एक्स स्क्वायर +1/(x²+1)dx, और ये वाला माइनस यहाँ, और 1dx/(x²+1) इधर, ताकि अब ये कटा तो ये आ गया आपका भागफल 1। और अब 1 का इंटीग्रल x और 1/(x²+1) या 1+x² का इंटीग्रल डायरेक्टली आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है। तो इस तरह से आपका जो उत्तर आया x²/2 tan इनवर्स x गुणा करके -x/2 -± +1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये था आपका प्रश्न नंबर 8। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है x इंटू कॉस इनवर्स x dx। बिल्कुल जैसे पहले एक प्रश्न में आपने देखा था, इनवर्स फलन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और उसके साथ एल्जेब्रिक फलन है तो वो सेकंड बनेगा आइलेट नियम के अनुसार, या कॉस इनवर्स x का होता भी नहीं है इंटीग्रल इसका होता है। तो वही फर्स्ट वाला फलन ऐसे कि ऐसे दूसरे का इंटीग्रल x²/2 माइनस पहले वाले फलन कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल अवकलन होगा -1/√1 -x², आप जानते हैं इस फॉर्मूलों को डायरेक्ट, और x का इंटीग्रल x²/2 dx। तो ये आया x²/2 कॉस इनवर्स x, माइनस बाहर आया प्लस 2 बाहर आया नीचे 1/2 करके बहार आया, यहाँ रह गया x²/1 -x². अब ये आपका परिमेय फलन नहीं है क्योंकि नीचे अंडर रूट है, तो ये परिमेय फलन नहीं है। अब इसको करने के 2 तरीके आपके पास हैं। एक में तो सूत्र लगेगा, और वो सूत्र अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो सूत्र अब इस एक्सरसाइज के बाद आएगा। और वो सूत्र ये वाला सूत्र है कि √a² - x² dx बराबर, ये सूत्र आपका है। ये सूत्र अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी अगले टॉपिक में ये सूत्र कैसे बने हैं ये ही निकालना है। तो पहले सूत्र का प्रयोग करके हम इसे करेंगे। तो हमने क्या किया, और 2 विधि से करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करके और दूसरा बिना सूत्र का प्रयोग करके, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम उसे करेंगे। फॉर दैट पहले मैं पहली वाली विधि, सिर्फ इसको हल करने की विधि बता रही हूँ, यानी I1 को, इसको I1 मान लिया था, इसको I1 मान लिया, तो ये जो समीकरण 1 बना है, I का मान x²/2 cos inverse x प्लस 1/2 और इसकी जगह I1। तो अब इसे हल करने का क्या तरीका है कि पहले तो हम इसे इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे, यानी अंडर रूट जो नीचे है ये ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो कैसे किया जाएगा इसको, ये x² यहाँ था आपका नीचे √1 - x², मुझे ऊपर 1 - x² बनाना है, नीचे √1 - x² है और मुझे 1 - x² ऊपर बनाना है। तो चूंकि ये प्लस का x² था तो माइनस मैंने यहाँ डाला, माइनस बाहर डाला ताकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर अपनी तरफ से +1 डाला -1 डाला। अब इससे क्या होगा,
इतना वाला हिस्सा अलग कर लिया, ये लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अलग अलग कर दिया, तो ये माइनस बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इस माइनस 1 से अलग होगा तो ये वाला माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये रह गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये इससे भाग होकर रह गया माइनस, और ये रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका सीधा फॉर्मूला आपके पास साइन इनवर्स एक्स होता है, पर चूंकि पीछे आपके आंसर में साइन इनवर्स एक्स नहीं दे रखा, हालांकि आप इसे यूं ना करके सीधा साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और वही आपका आंसर बनेगा, लेकिन और उसमें कोई गलती भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप पीछे से मैच करेंगे और मतलब जो किताब में पीछे की तरफ दिए हैं आंसर उनसे मैच करेंगे, आप कहेंगे मैडम ये तो आंसर ही नहीं मिला है, तो आंसर इसलिए नहीं मिला कि बस पर इतना फर्क है, वो माइनस प्लस का फर्क आएगा, तो ये माइनस माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बनाया, क्योंकि इसका इंटीग्रल माइनस मतलब कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये वाला माइनस ये आंसर में कॉस इनवर्स एक्स लाने की वजह से, वरना सीधा ये या माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह ये प्लस साइन इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता था। तो आएंगे आप यहाँ पर, तो अब इसमें हमने लगाया ये वाला सूत्र, ए की जगह वन है तो एक्स अपॉन टू, ए की जगह वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे दो यानी ए वन बटे दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी साइन इनवर्स एक्स बटे वन यानी साइन इनवर्स एक्स, माइनस ये मैं करी चुकी थी कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस से गुना हुआ माइनस एक्स बटे दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे दो, चूंकि साइन इनवर्स एक्स में आपका सूत्र नहीं चाहिए, सूत्र चाहिए किस में, कॉस इनवर्स मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वो कॉस इनवर्स एक्स में, हालांकि हमारे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया और इसका मान अब यहाँ रख देंगे उत्तर आ जाएगा, लेकिन चूंकि आपके आंसर में कॉस इनवर्स एक्स लाना है तो कॉस इनवर्स एक्स लाने के लिए साइन इनवर्स एक्स को लिखा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कौन सा वाला हमने यहाँ पर नियम लगाया, आइडेंटिटी हमने लगाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे दो, ये वाला नियम लगाया, तो इस तरह से ये साइन इनवर्स एक्स की जगह आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ऐसे कैसे उतार दिया, ये ऐसे उतार दिया, ये हो गया माइनस पाई बटे चार माइनस माइनस प्लस एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट है तो ये सी के साथ खप गया, कांस्टेंट को अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स का बन गया माइनस एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स। तो ये था आई वन का मान, आई वन का मान यहाँ पर रखेंगे तो आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे दो कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक बटे दो, और ये आई वन माना था और आई वन का मान आया माइनस एक्स बटे दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इन्हें खोल कर कॉस इनवर्स एक्स इकट्ठा कर लिया तो एक्स स्क्वायर बटे दो और ये गुणा होके माइनस एक बटे चार कॉस इनवर्स एक्स के गुणांक हुए और ये हो गया माइनस दो दूनी चार एक्स बटे चार अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ भी एलसीएम लिया चार तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे चार अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका उत्तर आया, इस रूप में उत्तर है कॉस इनवर्स एक्स के लिए, और अगर आप ऐसा ना करते तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाता, यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाता, तो उत्तर कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स में दोनों में भी आ सकता था, ये गलत नहीं है। अब बताती हूँ मैं इसकी दूसरी विधि, दूसरी विधि सिर्फ आई वन को सॉल्व करने की, यानी अगर ये सूत्र आपको नहीं याद आ रहा या यूँ कहें अभी तक हमने नहीं करा तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करने की दूसरी विधि, तो इसको दूसरी विधि कैसे करेंगे, इस कोई आई वन को कि हम यहाँ प्रतिस्थापन देंगे और एक्स को कॉस थीटा मान लिया, अगेन साइन थीटा भी मान सकते थे यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए माना क्योंकि उत्तर में कॉस इनवर्स एक्स आएगा, तो जब थीटा को रिप्लेस किया जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स के रूप में करना है, इस वजह से हमने इसको माना, वरना आप इसे अगर साइन थीटा मानेंगे और साइन इनवर्स के रूप में आपका आंसर आता है वो भी एकदम करेक्ट है, गलत नहीं होगा। तो ये डी एक्स बराबर कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा,
अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के साथ ये रह गया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस ये वाला आ गया बाहर, और कॉस स्क्वायर थीटा रह गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी ये कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का आपने पहले कर रखा है, इसे डबल एंगल में चेंज करके पावर हटेगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा बटे दो, ये दो बाहर आ गया नीचे, और वन प्लस कॉस टू थीटा रह गया था, वन प्लस वन का अब इंटीग्रल सीधा थीटा, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रल साइन टू थीटा बटे दो, और फिर थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन टू थीटा का लिखा टू साइन थीटा कॉस थीटा, दो से दो कट गया साइन थीटा कॉस थीटा रह गया, और साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का मान एक्स है, तो साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लाएंगे, तो ये हो गया एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आई वन का ये मान निकला, उसी तरह से वापस आपके आई में रख कर और ये वापस रख के आपका वही उत्तर आ गया जो आपका पहले आया था। तो दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 9, आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स की घात 2 इंटू 1 डी एक्स। इसका एक तरीका ये है कि हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, जैसे मैं पहले कर रही थी, लेकिन मुझे इससे बेहतर तरीका लगा कि हम इसे प्रतिस्थापन कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि उससे भी हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बल्कि हो नहीं पाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन फिर देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा, अभी नहीं। तो इसीलिए हमने इसको यहीं सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन कर दिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, या यूँ कह लो एक्स को साइन थीटा माना, ताकि इनवर्स से ही पीछा छूट जाए। तो इस वजह से एक्स हो गया साइन थीटा, तो डी एक्स कितना होगा कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा लगाया तो थीटा स्क्वायर, वन डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा। अब ये आपका दो फलन का प्रोडक्ट बन गया, एक फलन बीजगणितीय फलन और अल्जेब्रिक फंक्शन, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, वही आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड बनेगा, अल्जेब्रिक फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट वाला ऐसे कैसे, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल टू थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अब ये रह गया थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से दोबारा से एक बार से फिर से लगेगा आपका खंडश समाकलन, ये ऐसे कैसे दो बाहर आ गया, और अब थीटा इंटू साइन थीटा में खंडश समाकलन लगेगा, बीजगणितीय फलन यानी थीटा को फर्स्ट मानेंगे, साइन थीटा को क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे, यानी त्रिकोणमितीय फलन को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट ऐसे कि ऐसे साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशियल वन, और साइन थीटा का बन गया माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो इस तरह से थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस रह गया, इंटू टू अंदर रह गया कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा। और इसके बाद आपने मान रखना, क्योंकि साइन थीटा एक्स था, तो जहाँ कॉस थीटा है वहाँ अंडर रूट, इसको लिखा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की घात दो साइन थीटा की जगह एक्स, प्लस टू थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा को लिखा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का मान एक्स रखकर ये रख दिया, और माइनस साइन थीटा की जगह एक्स, तो माइनस टू एक्स प्लस सी। ये हुआ प्रश्न नंबर 10। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट माने और इसको सेकेंड, तो इसको सॉल्व करना, हालांकि इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चंस में आप करके आए हैं, कर सकते हैं, इसको अलग से इंटीग्रल निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेहतर तरीका है, उसके बाद जो आएगा उसको करने में आसानी होगी, तो हमने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूशन दे दिया।
और सब्सिट्यूशन में x को हमने रखा cos थीटा, तो dx हो गया माइनस साइन थीटा d थीटा, x की जगह cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, dx की जगह माइनस साइन थीटा d थीटा, अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये वाला माइनस बाहर आ गया, ये cos से cos इनवर्स खत्म रह गया थीटा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, अंडर रूट से साइन थीटा आया, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, तो ये कट गया इससे, ये थीटा रह गया और ये आ गया cos थीटा। तो अब आपका क्वेश्चन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा cos थीटा में सीधी सी बात है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आप मानते ही हमेशा से, पहला फलन ऐसे किए से, दूसरे का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस पहले फलन का डिफरेंशियल वन, cos थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, माइनस से गुणा किया माइनस थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा का इंटीग्रल होता माइनस कॉस थीटा प्लस सी, और अब कॉस थीटा के रूप में लाएंगे साइन थीटा को, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा को लिखा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को क्या लिखा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की जगह रख दिया एक्स, तो साइन थीटा हो गया एक्चुअली वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ रख दिया इसकी जगह माइनस कॉस थीटा की जगह एक्स प्लस सी। ये था प्रश्न नंबर आपका 11। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, वैसे भी क्लियरली दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये है, और ये भी सीधा सा इंटीग्रल भी है किसी का, ये फर्स्ट माना ये सेकेंड माना, फर्स्ट ऐसे किया ऐसे, दूसरे का इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर का टेन एक्स होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशियल वन, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा होता है प्लस सी। पीछे आंसर में ये माइनस कंज्यूम कर लिया इधर, माइनस इसकी पावर चढ़ेगा, ये बना दिया प्लस लॉग सेक एक्स की घात माइनस वन, एन लॉग एम का सूत्र लगा के, एन लॉग एम का सूत्र होता है लॉग एम की घात एन, और ये बन गया आपका एक्स टेन एक्स, और ये हो गया लॉग सेक इनवर्स सेक एक्स की घात माइनस वन, यानी लॉग वन अपॉन सेक एक्स, और वन अपॉन सेक एक्स क्या बन गया कॉस एक्स, तो आंसर कॉस एक्स में दे रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर ये भी पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। प्रश्न नंबर 13, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल, सॉरी, तो टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फलन माना, और वन इंटू वन को मानते हुए सेकेंड, क्योंकि इनवर्स है हमेशा फर्स्ट माना जाएगा, टेन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रल एक्स माइनस वन का इंटीग्रल एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आपने काफ़ी कर रखे हैं। ऊपर की डिग्री ये किस तरह का है, परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है, क्योंकि ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, और फिर ऐसे में जब ऐसी स्थिति आती है यानी ये रूप आता है, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाते हैं, इसका डिफरेंशियल कितना है 2x, तो x यहाँ था, ऊपर नीचे 2 से गुणा के 2x किया, ताकि जब इसको t माने तो ये dt में कन्वर्ट हो जाए, यही काम हमने यहाँ किया, माइनस 1 बटे 2, ये बन गया dt, ये बन गया t, और इसका सीधा log t होता है, और t का मान रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस रखकर ये आपको उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 14, आई बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स की घात 2 डी एक्स, सीधी सी बात है लॉग एक्स को ही पहला फलन मानना पड़ेगा भले घात कितनी भी हो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटे 2, पहला ऐसे की ऐसा माइनस दूसरे का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा पहले वाले का डिफरेंशियल, यानी लॉग एक्स की घात 2 का डिफरेंशियल होगा 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 2 से 2 कट गया, ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स था, एक्स ने एक्स स्क्वायर को एक एक्स को काटा, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा लॉग एक्स, बाकी ऐसे कैसे, फिर से एक बार डिफरेंशियल इंटीग्रल लगाएंगे, कंडीशन समाकलन लगाएंगे, लॉग एक्स वाला पहले मानना पड़ेगा, एक्स एल्जेब्रिक फलन सेकंड मानेंगे, फिर से इसमें आपने फर्स्ट लगाया, ये तो ऐसे कैसे रखा माइनस, और अब इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स ऐसे कैसे माइनस इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटे 2 और लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स
dx। अब ये ऐसे उतारा, ये माइनस से गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस, एक बटा दो भार, x से x का दिया था तो रह गया एच डी एक्स, और x का इंटीग्रल हुआ एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस सी। ये वाला दो रह गया था आपका, ये रह गया आपका दो बार जाकर, और ये हो गया एक्स डी एक्स, क्योंकि एक x कट गया और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटे दो होता है प्लस सी। सॉल्व करने पर उत्तर आया ये था प्रश्न नंबर 14। आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स, फिर उसी तरह से ये आपका एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन है, ये लॉग लघुगणकीय फलन है, लघुगणकीय को फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानेंगे। इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का एक्स की घात तीन बटे तीन और वन का एक्स क्यूब बटे तीन प्लस एक्स लॉग एक्स ऐसे की ऐसे, माइनस इसका इंटीग्रल एक्स की घात तीन बटे तीन प्लस एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ से एक्स कॉमन लेकर तो ये रह गया एक्स स्क्वायर बटे तीन और ये रह गया वन, और एक्स कॉमन लेकर इस एक्स से कट गया, और अब इसका इंटीग्रल डायरेक्टली एक्स की घात तीन बटे तीन और एक तीन ये था, एक्स की घात तीन बटे नौ हो गया और इसका इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस। ये था प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 16 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक खास तरह के क्वेश्चन हैं, उनको मैं उनका तरीका एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रश्न नंबर 16 से आपका जो तरीका आएगा वो सुनिए। अगर आपके पास एक फलन इस रूप में आता है, एक इंटीग्रल इस रूप में आता है, e की घात x तो होगा ही, उसके साथ जो अंदर गुणा हो रहा है वो दो फलनों का योग है, और वो दो फलन इस तरह से कि एक एफ एक्स है तो दूसरा उस एफ एक्स का डिफरेंशियल है, तो इस तरह का फलन है, यानी एक फलन तो e की पावर x है, गुणा होके जो दूसरा फलन है वो खुद ऐसे दो फलनों के योग के रूप में है कि एक फलन का डिफरेंशियल दूसरा है। तो इस तरह के फलनों को या प्रश्नों को करने का क्या तरीका होता है कि हम इनको अलग अलग करेंगे, e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा दोनों में, और ये पहचानेंगे कि इसका डिफरेंशियल ये है या इसका डिफरेंशियल ये है। जैसे कि इसका डिफरेंशियल ये है तो अब हम इस वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसे ऐसे की ऐसे रहने देंगे, और इसमें खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और इसमें लगाते हुए इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे की ऐसे कैरी ऑन करते चलना है, साथ लेके चलना है, इसको डिफरेंशियल करेंगे, इसको इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे, और जब e की पावर x के साथ उसी दूसरे फलन में खंडशः समाकलन लगाते हैं तो आइलेट नियम जो मैंने बताया था उसमें बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड माना जाएगा, तो ये फलन सेकंड, ये फर्स्ट। अब अगर इसे करें तो e की पावर x ऐसे कैसे, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, और एफ एक्स पहला फलन ऐसे की ऐसे खंडशः समाकलन में, माइनस इसका इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा एफ डैश एक्स, ये खंडशः समाकलन यहाँ लगाया और ये ऊपर वाला ऐसे कैसे उतर गया, इसे नहीं छेड़ा, और ये आपस में कट के e की पावर x एफ एक्स रह जाएगा। तो ये वाला मेथड लगाते हैं, तो जब भी कभी e की पावर x इंटू इस तरह का कोई आपका डिफरेंशियल आए, फलन आए जो दो भागों में तोड़ा जा सकता है, और इस तरह से तोड़ा जा सकता है कि एक का डिफरेंशियल दूसरा हो, तो आप ये मेथड लगाएंगे हमेशा, और इसी पर बेस्ड आपका प्रश्न नंबर 16 है, 16 से आगे है, 15 से आगे है, सॉरी 16 है, 16 से आगे प्रश्न ऐसे ही हैं सारे, 16, 17, 18 आगे के क्वेश्चन ये है जहाँ भी e की पावर x है, तो आप इसे देखेंगे। आपका प्रश्न नंबर 16 था e की घात x साइन x प्लस कॉस x dx, यानी e की घात x इंटू ये जो फलन है खुद दो फलनों के योग के रूप में है, और इस फलन का डिफरेंशियल ये है, यानी साइन x का डिफरेंशियल क्या है कॉस x होता है, तो इसलिए जब इन्हें अलग अलग करेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये है, तो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, खंडशः समाकलन में ये ऐसे की ऐसे e की घात x का इंटीग्रल e की घात x ही होता है, और साइन x यानी पहला फलन ऐसे की ऐसे, माइनस
की घात एक्स का इंटीग्रल की घात एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल हुआ कॉस एक्स डी एक्स, इसको छेड़ा नहीं, तो ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, कट गया और उत्तर रह गया ई की घात एक्स साइन एक्स प्लस सी। प्रश्न नंबर 17 और देखेंगे ध्यान से। प्रश्न नंबर 17 है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की घात दो ई की घात एक्स। अब यहां से आपको दो फलन का रूप नहीं दिख रहा तो, और ना ही इसका डिफरेंशियल बहुत आसान है अगर हम इसे फर्स्ट और सेकेंड माने, तो यहां से एक चीज काम करेंगे कि ये x है ये 1 प्लस x की घात 2 है, तो अपनी तरफ से प्लस 1 और माइनस 1 डाला इस x के साथ, बाकी सब कुछ ऐसे की ऐसे ही है, और अब इनसे अलग अलग कर दिया 1 प्लस x से अलग और माइनस 1 से अलग, तो 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x की घात 2 इंटू e की पावर x माइनस ये वाला 1 अपॉन 1 प्लस x की घात 2 इंटू e की पावर x dx, और ये कट के आ गया 1 प्लस x 1 अपॉन 1 प्लस x, एक पावर कट गई e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की घात 2 इंटू e की पावर x dx। अब आप देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x बेसिकली हुआ 1 प्लस x की घात माइनस 1, और इसका डिफरेंशियल अगर करते हैं, ये तो सेकंड माना जाएगा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट फलन में अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं तो इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस 1 1 प्लस x की घात माइनस 1 माइनस 1 यानी x की घात माइनस 2 यानी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की घात 2 आएगा, जो कि ये रहा आ गया सेम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की घात 2 डिफरेंशियल आ गया इसका, तो इसलिए ये वही फॉर्म आ गया, यानी ये अगर एफ एक्स है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो उस तरीके से अब इसको फलन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड और इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स है माइनस समेत इसके लिए। तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, तो ये फर्स्ट का ऐसे कैसे उतारा, इसका इंटीग्रल ये माइनस, अब इसका डिफरेंशियल अभी मैंने बताया था कितना आया 1 प्लस एक्स की घात माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस एक्स की घात माइनस 2 इसका इंटीग्रल आया, और डिफरेंशियल आया सॉरी, और e की घात x का डिफरेंशियल इंटीग्रल e की घात x dx माइनस ये वाला, ऐसे की ऐसे आपने उतार दिया, ये आपका e की घात x अपन 1 प्लस x, ये माइनस प्लस हो गया, इसको नीचे ले आए तो e की घात x dx अपन 1 प्लस x की घात 2, और ये माइनस e की घात x dx अपन 1 प्लस x की घात 2, ये दोनों आपस में कट गए और ये आपका उत्तर हो गया, और ये रह गया आपका प्रश्न नंबर 17। ये था आपका प्रश्न नंबर 17। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 e की घात x 1 प्लस साइन x अपन 1 प्लस कॉस x। अब इसमें नीचे वाले का डिफरेंशियल तो ऊपर है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, और इसको अगर फर्स्ट फलन मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल भी काफ़ी बड़ा और स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ थोड़े से पहले सूत्र लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं। कैसे, 1 साइन x को लिखा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और 1 प्लस कॉस x को आधे एंगल में कन्वर्ट किया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र लगाया 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हाफ एंगल में, तो ये वाला सूत्र लगाया कहाँ पर, नीचे 1/2 की घात x 1/2, ये मतलब ये दो भार आ गया e की घात x 1/ कॉस स्क्वायर x 2, ये बन गया sec स्क्वायर x 2, और इससे जब अलग किया तो 2 ये रहा क्योंकि ये 2 तो बाहर जा चुका था, और 1 cos x बाई 2 cos x बाई 2 से कट गया तो रह गया sin x बाई 2 अब बटे cos x बाई 2 जो कि बन गया tan x बाई 2, और अब आपको पता है tan x बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर x 2 इंटू 1/2, तो इसलिए जब इनको दोनों को अलग अलग किया इधर और इधर तो इसको इसका डिफरेंशियल ये है, इसलिए इसे तो छेड़ेंगे नहीं और इसमें लगाएंगे खंडश समाकलन, तो इसमें 1/2 से अलग किया 1/2 से अलग किया ये वाले 2 से ये 2 कट गया ये रह गया e की घात x tan x 2।
उसी तरह से सेकंड फर्स्ट, इसको छेड़ा नहीं, प्लस सेकंड का इंटीग्रल e की पावर x और tan x बाई टू यानी पहला फलन ऐसे किए से माइनस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और tan x बाई टू का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x बटे दो गुणा एक बटे दो इंटू dx। तो ये एक बटे दो बाहर आ गया माइनस e की घात x sec स्क्वायर x बटे दो dx, बाकी सब ऐसे कैसे, ये इस पूरे से कट गया, उत्तर रह गया आपका ये था प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 19 यहाँ क्लियरली दिख रहा है e की घात x इंटू वन अपॉन x माइनस e की घात x इंटू वन अपॉन x स्क्वायर dx, वन अपॉन x का डिफरेंशियल वन अपॉन x स्क्वायर होता है, माइनस माइनस वन अपॉन x स्क्वायर होता है माइनस के साथ, क्लियरली दिख रहा है ये एफ एक्स है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ डैश एक्स है। बहुत आसान है, अभी पीछे भी करके आए थे ऐसा क्वेश्चन, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड इसको छेड़ना नहीं है, फर्स्ट फलन दूसरे का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल फर्स्ट फलन का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ही होता था। ये ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस ई की घात एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों कट गए, उत्तर आया ई की घात एक्स प्लस सी। प्रश्न नंबर 20 एक्स माइनस थ्री बटे एक्स माइनस वन की घात तीन ई की घात एक्स, यहाँ से देखते ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि एक को तो बराबर बनाओ, x माइनस थ्री था तो माइनस थ्री को तोड़ा हमने, माइनस थ्री को तोड़ा माइनस वन माइनस टू, माइनस वन तो यहीं रहने दिया x के साथ और माइनस टू ले गए अलग, बाकी सब अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह, दोनों से अलग अलग कर दिया। x माइनस वन बटे x माइनस वन की घात तीन, कटने पर घात दो रह गई, इसे लिखा x माइनस वन की घात दो माइनस दो के रूप में इंटू e की पावर x और ये माइनस टू बाहर आ गया और इसे लिखा e की घात x और ये हो गया x माइनस वन की घात माइनस तीन और इसका डिफरेंशियल आपको पता है ये होता है यहाँ से यहाँ तक माइनस टू एक्स, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो इस तरह से फर्स्ट ऐसे की ऐसे, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस सेकेंड का इंटीग्रल और पहले वाले का डिफरेंशियल माइनस टू एक्स माइनस वन की घात माइनस तीन, ये वाला ऐसे की ऐसे और इसे माइनस बाहर माइनस टू बाहर निकाल के प्लस टू एक्स माइनस वन की घात माइनस थ्री ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन की घात माइनस थ्री डी एक्स, ये कट गया और ये आपका उत्तर आ गया। प्लस सी जरूर लगा लेंगे आप हर बार, प्लस सी हमेशा अंत में लगाओ, बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा सबका जितना भी कॉन्स्टेंट आ रहा है सब इकट्ठा होकर सी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर आपका 20। आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर, अभी दूसरी तरह के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है आपका एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, खासकर साइन एक्स और ई की पावर टू एक्स इस तरह का जो फलन आता है, तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा वही एक्सपोनेंशियल को सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, हमेशा एक्सपोनेंशियल सेकंड माना जाता है अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन लगाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेकंड का इंटीग्रल मतलब e की पावर 2x का इंटीग्रल होगा e की घात 2x बटे 2, आप कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ज़्यादा दिक्कत आए तो 2x को t मानकर प्रतिस्थापन लगा के भी आप कर सकते हैं। तो खैर इसका इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स ऐसे कैसे, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स e की घात 2x बटे 2 dx, यही मान के चले थे, ये ऐसे कैसे एक बटे दो बाहर आ गया। अब cos x e की पावर 2x है, फिर उसी तरह से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो e की घात 2x sin x अपॉन 2 माइनस एक बटे दो फर्स्ट ऐसे कैसे, दूसरे का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x dx, तो ये हो गया e की पावर 2x sin x अपॉन 2 और ये गुणा हो के 2 दुनी 4 माइनस cos x e की पावर 2x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस और ये बाहर आ गया 2 दुनी 4 और ये रह गया e की घात 2x sin x dx। और आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इतना ये आपका वही क्वेश्चन है जो
वहीं जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो ये आपने आई माना तो यहाँ इसको आई रख दिया, तो एक बटे चार आई हो गया प्लस सी, और ये माइनस एक बटे चार आई उल्टे हाथ पे आई, आई रहा था आपका, ये सारा आई आ रहा था उल्टे हाथ पे, माइनस एक बटे चार आई इधर आया, बन गया प्लस एक बटे चार आई, और यह बचा हुआ यहाँ आ गया, ये बन गया पाँच बटे चार आई बराबर, ऊपर से ऐसे उतर गया, और अब चार बटे पाँच से सबको गुणा कर दिया, आपका ये उत्तर आ गया प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 22 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर डायरेक्ट लगाते 1 इंटू तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानते और फिर 1 को सेकंड मानते, खंडेश्वर समाकल, लेकिन आप देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे में हम इनको आसान करते हैं, और वैसे भी हमें दिख रहा है ये डायरेक्ट किसी का सूत्र है, यानी अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनाते तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, और वही काम हमने किया। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में, त्रिकोणमितीय रूप में कोई फॉर्मूला लगता है तो उसे एकदम से प्रतिस्थापन करके वो सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो x को tan थीटा रखा तो dx हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये सूत्र होता है tan 2 sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा बना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके ये रह गया 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा, और 2 आ गया बाहर, और अब इनमें हम खंडेश्वर समाकलन लगाएंगे, त्रिकोणमितीय सेकंड, अल्जेब्रिक फर्स्ट, वैसे भी इसका इंटीग्रल ऐसे क्वेश्चन अभी पीछे वैसा ही क्वेश्चन भी करके आए थे, एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा समथिंग कुछ करके आए थे, एनीवे अब फर्स्ट ऐसे किए से सेकंड का इंटीग्रल सेट टेन थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रल हो गया टेन थीटा डी थीटा प्लस सी, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 से गुणा, मतलब 2 से गुणा करके, और tan थीटा का आपका होता है log ऑफ sec थीटा प्लस सी, और अब सब्सिट्यूशन वापस करेंगे क्योंकि x में उत्तर लाना है, तो जहाँ tan थीटा था वहाँ x, जहाँ थीटा है वहाँ tan इनवर्स x, और जहाँ sec है वहाँ अंडर रूट 1 प्लस sec थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, और tan थीटा की जगह x, ये हो गया 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह x माइनस 2 sec थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र है tan थीटा का और sec थीटा का, तो sec थीटा की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा की जगह x, तो ये आपका प्रश्न नंबर 22 हो गया। आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे और 24 पे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, और हालांकि इसमें खंडेश्वर समाकलन कहीं भी नहीं लग रहा, 23 में तो ये एक्स स्क्वायर है, e की घात एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को टी माना, इसका डिफरेंशियल ये एक्स स्क्वायर होता है इसलिए इसको टी माना, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बटे 3 से रिप्लेस हो गया, तो ये रह गया e की घात टी, ये रह गया बन गया डी टी बटे 3, 1 बटा 3 भार, e की घात टी का इंटीग्रल e की घात टी होगा प्लस सी, और टी का मान वापस रखा तो ई की घात एक्स की घात 3 बटे 3 प्लस सी, ये पहला ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट होगा। फिर आते हैं 24वें पर, ई की घात एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स से गुणा किया और अलग अलग किया, ई की घात सेक एक्स प्लस ई की घात एक्स सेक एक्स टेन एक्स, कौन सा रूप आ गया, ये वही रूप आ गया कि ई की घात एक एक्स e की घात x इंटू एक फलन कैसा, एक एफ एक्स है तो दूसरा, एक एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशियल दूसरा उसका डिफरेंशियल है, यानी ये एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स, सीधी सी बात है एफ एक्स वाले को खंडेश्वर समाकलन लगाएंगे, एफ डैश एक्स वाले को ऐसे के ऐसे कैरी ऑन करेंगे, पहला वाला ऐसे, दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल, पहले वाले का डिफरेंशियल, ये ऐसे कि ऐसे ये आपस में कट के उत्तर बचाइए, और ये आपका बी जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से ये आपकी ये कौन सी एक्सरसाइज थी, 7.6 एक्सरसाइज जो कि खंडेश्वर समाकलन की थी, ये पूरी हुई। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको पहले पीडीएफ फॉर्म में सारे भेज दिए थे, अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिए,
उस तरीके से आपको समझ आए तो वैसे कर लीजिए, और अगर यहाँ से समझ आ रहा है तो यहाँ से कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम लिख के भेजें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहूँ। थैंक यू।